मैं बस स्टैंड रामबन से आपके चैनल का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे मसले को उठाने का जो जागरण जो जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के जो तमाम जो मसाइल हैं जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत से जो है गाड़ियाँ जो है दरमंदा रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की बहुत ज़्यादा कमी है और रेडियो का भी जो है यहाँ पे जो निज़ाम है वो जो है साइडों पे जो लगी हुई हैं, इनके लिए भी काफ़ी दिक्कत जो है मुश्किलें पेश आती हैं। जब हम इस मसले को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन से मिले तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी कि इस इशू पे जल्द से जल्द काम किया जाए। थैंक यू करने की बात ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये हमारा काम है। आपने हमारी नोटिस में लाया, वैसे हमें पहले भी कई लोगों ने कहा था कि बस स्टैंड की बड़ी खस्ता हालत है, फिर हमने पीडब्ल्यूडी से टेकअप किया तो एक्चुअली जो हमारे टाउन के रोड्स थे और बस स्टैंड का, इसमें हमने उनको कहा कि ये टेकअप कर लो। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी ने मिलकर पीडब्ल्यूडी के साथ वहाँ बस स्टैंड का साफ सफाई की और ब्लैक टॉपिंग की। अगर आज हम बस स्टैंड रामबन की बात करें या जहाँ पे आज हम यहाँ खड़े हैं, इस बस स्टैंड में बड़ी देर से बीटी वर्क अच्छे से हुआ नहीं था, और जो ये ब्लैक टॉप आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस ब्लैक टॉप से पूरे रामबन के लोगों को राहत मिलेगी। हमेशा वो खुद पैदल चल के हमारे पास यहाँ आते हैं और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है। आज यहाँ पे हम खड़े हैं, इसके साथ हमारा जो पैसेंजर शट है उसके लिए जो उन्होंने अपने फंड से हमें 5 लाख रुपए जो यहाँ पे दिया है, हमें उम्मीद है कि वो भी 2 या 3 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आम लोग जो यहाँ पर रोज़ जो है काफ़ी मुश्किलों से जो यहाँ से गुजरते थे, जो कीचड़ रास्ते में मिलता था, अब हमें उम्मीद ये है कि अब जो है उन्होंने अपने मुँह से जो लफ्ज़ निकाल दिए हैं कि आपको फुटपाथ जो यहाँ मिलेगा उसके लिए भी हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रामबन से ताहिर मुश्ताक, कश्मीर अनहर्ड के लिए।